आज भी रशिया और जापान के बीच वर्ल्ड वॉर टू चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 75 सालों से रशिया और जापान कुरिल आइलैंड्स को लेकर एक कॉमन ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाए हैं। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि अगर रशिया पिछले साल यूक्रेन पर अटैक ना करता तो उसका टारगेट जापान ही होता। लेकिन आखिर क्यों यह आइलैंड्स इतने इंपॉर्टेंट हैं? तो दोस्तों आपको बता दूं कि 20,000 लोगों की पॉपुलेशन वाले यह आइलैंड्स विवाद का कारण तब बने जब रशिया ने इनका कंट्रोल 1945 में अपने नाम कर लिया, क्लेमिंग दीज आइलैंड्स एज पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी। और यह आइलैंड्स स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन आइलैंड्स के बीच से रशिया अपने वॉरशिप एंड सबमरीन को इजीली पैसिफिक ओशियन में मूव कर पाता है। शायद आपको सुनने में यह ज्यादा इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन रशिया में इतनी जबरदस्त ठंड पड़ती है कि विंटर्स में यहां की ऑलमोस्ट हर एक वाटर बॉडी फ्रीज हो जाती है, लेकिन कुरिल आइलैंड्स इज एन एक्सेप्शन। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी है कि जापान इन आइलैंड्स का कंट्रोल देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और जापान इन आइलैंड्स को कुरिल नहीं बल्कि नदन टेरिटरीज बोलता है। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।